हे hey, नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप अपने मोबाइल को एक कंप्यूटर के तरह यूज़ कर सकते हैं? और यही नहीं, आप अपने मोबाइल को कंप्यूटर ही बना सकते हैं। नहीं पता है तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताऊँगा जिसकी मदद से आप अपने मोबाइल को बिल्कुल ही कंप्यूटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, कंप्यूटर और आपके मोबाइल में कोई फ़र्क नहीं रहेगा, बिल्कुल ही सेम लगेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करते और इस प्यारे से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको उसके लिए एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। और वो एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करना है और किस कौन सा एप्लीकेशन है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो सबसे पहले आपको उस एप्लीकेशन को ओपन करना है, तो मैं ओपन कर लेता हूँ उस एप्लीकेशन को। यहाँ पर दोस्तों देखिए, जैसे ही मैंने वो एप्लीकेशन ओपन किया तो डायरेक्ट यहाँ पर देखिए जो कंप्यूटर का स्क्रीन जो होता है वैसा ही स्क्रीन हमें शो कर रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, कंप्यूटर में भी बिल्कुल ऐसा ही स्क्रीन होता है। तो यहाँ पर अब मैं आपको सब कुछ बारीकी से समझाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, साइड में जहाँ पर मैं अभी टच कर रहा हूँ वहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे जो सभी एप्लीकेशन है वो यहाँ पर शो होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारे जो सभी एप्लीकेशन इंस्टॉल है वो कंपनी के जो एप्लीकेशन है वो सारे यहाँ पर दिख रहे हैं। तो यहाँ से बैक आ जाते हैं और फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों, डायलर का ऑप्शन भी साइड में तो है। यहाँ पर डायलर का ऑप्शन भी है दोस्तों, ऐड आ रही है तो इसे आपको कट कर देना। और फिर यहाँ पर दोस्तों आपको मेन चीज़ दिखाता हूँ, सबसे ऊपर में यहाँ पर यूज़र लिखा हुआ है तो उस पर आपको एक बार क्लिक करना है। देखिए वहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर बिल्कुल आपके सामने एक कंप्यूटर का स्क्रीन है वैसा ही आपको शो होगा। देखिए कंप्यूटर में भी सेम ऐसा होता है। यहाँ पर देख सकते हैं लोकल डिस्क सी है और यहाँ पर लोकल डिस्क डी भी यहाँ पर उपलब्ध है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके जो सारे फोल्डर है वो यहाँ पर शो हो गए दोस्तों। यहाँ पर देखिए जो सभी सिस्टम जो है वो आपको एक कंप्यूटर के जैसे ही लगेगी दोस्तों। यहाँ पर से आपको बैक आ जाना है और फिर यहाँ पर आप कुछ भी यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर डाटा का ऑप्शन है, वाईफाई का ऑप्शन है, ब्लूटूथ और यहाँ पर बैटरी परसेंटेज। तो यहाँ पर हमारी जो होम स्क्रीन है वो यहाँ पर दोस्तों पूरी तरीके से कंप्यूटर जैसे ही दिख रही है दोस्तों। देखिए यहाँ पर साइड में आप जो अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो नोटिफिकेशन बार है वो यहाँ पर नोटिफिकेशन बार आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो मोबाइल स्क्रीन में सब ऑप्शन होते हैं वही ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर की स्क्रीन की तरह शो हो रहे हैं। तो काफ़ी अमेजिंग और काफ़ी सुंदर दिख रहा है ये। देखिए यहाँ पर सभी ऑप्शन है, सेटिंग है दोस्तों, यहाँ पर देखिए स्क्रीन लाइट भी है। तो दोस्तों यार, मैं उम्मीद करता हूँ कि एप्लीकेशन आपको पसंद आया, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक ठोक दीजिए। तो अब दोस्तों मैं बताता हूँ कि इस एप्लीकेशन को आपको कहाँ से डाउनलोड करना है और इस एप्लीकेशन का नेम क्या है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों उस प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको अपना प्ले स्टोर सबसे पहले ओपन कर लेना है, और यहाँ पर आने के बाद आपको एप्लीकेशन का नाम सर्च करना है। तो उस एप्लीकेशन का नाम है दोस्तों कंप्यूटर लॉन्चर। देखिए इस तरह का कंप्यूटर लॉन्चर आपको लिख कर यहाँ पर सर्च कर देना है दोस्तों। और यहाँ पर जो आपको दूसरे नंबर पर दिखाई दे रहा है, देखिए कंप्यूटर लॉन्चर, आपको जो इस एप्लीकेशन को याद रख लेना है। और यहाँ पर देखिए अपने गूगल प्ले स्टोर पर इसी को सर्च करना है और इस वाले एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है, कंप्यूटर लॉन्चर Win10 लॉन्चर विंडोज़ थीम। एप्लीकेशन का इमेज भी आप देख सकते हैं और इसी एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों यार, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। तो दोस्तों मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।